हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम आपको ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें टर्मरिक मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है, कर्नल पीसी राणा जी। और जिस तरह का ये जो भी प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन में कर्नल साहब के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर तो छोड़िए, अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात करूँ, तो ऐसा प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेगा एटलीस्ट हिमाचल प्रदेश में। ये इंटीग्रेशन में काउशेड, पोल्ट्री, इरिगेशन फैसिलिटी, मछली, डिफरेंट ट्रीज, सेल्फ मेड मैन्योरिंग, ये पंचगव्य, और ये देखिए वर्मी कंपोस्ट, और ये एक ऐसा है जो कर्नल साहब के बारे में जानेंगे जो पहला है हिमाचल प्रदेश में। और ये आप पढ़ भी सकते हैं, सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर क्या चीज़ है ये कर्नल साहब खुद ही इलैबोरेशन करेंगे, जो कि पहला ही है। गवर्नमेंट के पास भी शायद अभी तक सोलर ड्रायर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको ये बैगों में भी देखने को मिलेंगी, बैगों में देखने को मिलेगी। और ये बैग्स में क्या भर के रखा है, ये इसके साथ बीज बॉक्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो ये कर्नल साहब के साथ बात करेंगे। और ये इस तरह का आप देख पाएंगे, इस तरह का कंप्लीट एक तरह से झाड़ियों वाला इलाका, बैरन लैंड, और पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज। बट आप देख पाएंगे कर्नल साहब के पास टैंक फुल है। तो अभी एक इंटरव्यू करेंगे तो कर्नल साहब से जानेंगे। कर्नल साहब गुड मॉर्निंग, आपके साथ मिलके हमेशा बहुत ही बढ़िया लगता है, और हम लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती है कि इस एज में आके आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो थोड़ा सा अपने बारे में सर, और आपका ये इंटीग्रेशन वाला जो है, आपने कैसे शुरुआत की, यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ जहां तक हमें मालूम है 500 से ज्यादा किसान अभी 5-6 साल में जुड़ चुके हैं। 573 कर्नल साहब बड़े स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही ये विश्वास रखते हैं, तो एग्जैक्ट फिगर 573 फार्मर्स ऑलरेडी एसोसिएटेड विद कर्नल साहब फॉर टर्मरिक, क्योंकि ये टर्मरिक मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश है। टर्मरिक, हल्दी के बारे में सभी ने सुना है, बट हल्दी में ऐसी क्या चीज है जो कर्नल साहब को दूसरी हल्दियों से अलग बनाती है? तो कर्नल साहब, आप थोड़ा सा आप हमें अपना इंटरव्यू दें। फिर मैंने हल्दी के बारे में सोचा, अब मैंने तो शुरू से करते हैं। ओके जी, ओके, मतलब हल्दी के बारे में पहले जी जी, फिर उनके लिए क्या है, नौजवानों के लिए क्या है जी जी, वो मैं इंटीग्रेशन एंड देन जवानों के लिए जी जी जी, ताकि लोग जो हैं अट्रैक्टिव हों। वी विल बी थैंकफुल टू यू सर फॉर दैट। ओके, तो हल्दी वाज द फर्स्ट, पहली चीज थी जो मैंने सोची कि जिसको ना बंदर खाते हैं ना कोई बीमारी लगती है, दैट इज अपने आप ही दवाई है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि बंदरों का सबसे बड़ा इशू है। फिर मैंने सोचा कि जब करना ही है तो फिर ठीक ढंग से करना है। मैंने पूरे इंडिया का जहां जहां हल्दी पैदा की जाती है, मेनली मैंने मेघालय से लेके केरला तक कोई स्टेट नहीं छोड़ी, और जो सबसे ज्यादा हल्दी प्रोड्यूस करते हैं वो करता है आंध्रा और तमिलनाडु, तेलंगाना। मैं महाराष्ट्र में भी गया, उड़ीसा में भी गया, सब जगह गया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि पूरे हिंदुस्तान में 38 किस्म की हल्दियां हैं, हमारे हिमाचल में 3 किस्म की जी। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोगों ने अभी तक सदियों से हल्दी हर घर में बीजी जाती है, बिल्कुल सही, लेकिन किसी को टाइम नहीं मिला या सोचा भी नहीं कि जो हल्दी हम बीजते हैं वो हल्दी है भी या कुछ और ही है, या खाली पेंटी है, सिर्फ कलरिंग है। कलरिंग है, एग्जैक्टली सर। जब उसका हमने टेस्ट, हमारे बुजुर्ग भी लगाते थे जी, उसका जब हमने टेस्ट कराया तो उसका लैब टेस्ट में जो है कुकुमिन जो परसेंटेज है वो 1% के अराउंड आई जी। अब जब मैं आंध्रा में था जी, तो उधर मैंने एक जेंटलमैन जो बचपन से ही हल्दी का ही काम करता है, इज नंबर 1 प्रोड्यूसर जी इन इंडिया, उनका नाम है राजा चंद्रशेखर। ओके, तो उनसे जब मैं मिला, जेंटलमैन से मेरी एज के थे वो, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी उनसे सीखने के लिए मिला मेरे को। और उस टाइम पर ये
इस वैरायटी जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, जो लग है पूरे वर्ल्ड में जी, उसका वो अपग्रेड करा रहे थे एक साइंटिस्ट से जी, जो IISR कैलीकट के हैं, डॉक्टर प्रसाद। ओके, ही इज इन माई पैनल नाउ, मेरे पैनल में है जी, उनसे मैं कई और हल्दियां। तो सर इसका जो कर्क्यूमन लेवल है अभी बताता हूं, जी, अभी जी, बताता हूं। तो ये इस ढंग से मैंने फिर मैंने उनको एंगेज किया जी, एक साल इस हल्दी को मैंने डेवलप कराया चंद्रशेखर जी के फार्म जी। अब उधर मैंने सोच लिया कि भाई ये तो केमिकल डालते हैं सारे जी, लेकिन मैं केमिकल फ्री, और उस वक्त तो मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक के बारे में सुना था, देखा था जी, कि मैं ऑर्गेनिक करूंगा। तो मैंने एक साल आई पेड चंद्रशेखर आल्सो एंड डॉक्टर, मैंने ये तैयार कराई जी। अब हल्दी की तीन चीजें होती हैं जी, पहला होता है कि उसके बीच में एसेंशियल ऑयल और उसके भी बीच में कुकुमन ऑयल जो है जी, उसकी परसेंटेज क्या है जी, जितनी परसेंटेज ज्यादा होगी उतनी उसकी वैल्यू है मार्केट जी, एक्सपोर्ट हो नहीं सकती जी हल्दी जी, यदि वो जैविक, अभी वो जमाने चले गए जी, इस वाले जी, अभी जैविक नहीं है और 4% से ऊपर कुकुमन लेवल नहीं। तो व्यूअर्स एक नई चीज कर्नल साहब से सीखने को मिली है कि अगर एक्सपोर्ट का सोच रहे हैं तो कर्क्यूमन लेवल अबव 4 चाहिए और आपको ऑर्गेनिक चाहिए, अदरवाइज यू कांट एक्सपोर्ट। ऑर्गेनिक भी चला गया जमाना, अभी कुदरती खेती में आ जाओ जी जी। अब कर्नल साहब बोल रहे कुदरती खेती, नेचुरल फार्मिंग, जो हमारे फोर फादर्स करते आ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। अब इससे पहले मैं भूल जाऊं जी, अब मैं इस फार्मिंग में आ रहा हूँ कुदरती, जिसको एक्चुअल कुदरती खेती बोलते हैं। ये किताब जरा सा देख लीजिए, द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन। ये फुकोबो, जहां तक मैं जानता हूं, ये एक ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने सीड बॉल बना के शायद फार्मिंग करा था। ये सीड्स को क्ले बॉल्स बना के उसको, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हमारे पास कहां इतनी सुविधाएं थी, कौन जोता था, हल चलाने के लिए ना तो बैल होते थे ना तो उस तरह का सिस्टम था। तो ये बहुत ही अच्छी चीज, फुकोबो एक जैपनीज साइंटिस्ट आई थिंक, आई लाइक रेड वेरी मच अबाउट दिस पर्सनैलिटी। तो अंकल थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। ये कुछ नहीं है, प्लोलेस जी, ठीक है। इट इज नाउ नेम्ड एज ऋषि खेती। सो आई एम एंटरिंग इन टू फ्रॉम ऑर्गेनिक, आई एंटर इन टू द नेचुरल, वेरी नाइस। नाउ आई एम कंबाइनिंग द स्पिरिचुअल खेती एंड द ऋषि खेती, दैट्स वेरी नाइस। तो ये जितना, ये जो कोशिश कर रहे हैं कि जितना फार्मिंग सस्ती हो पाए उतनी सस्ती करने की कोशिश, दैट्स नाइस, डू नथिंग फार्मिंग। तो अब हम थोड़ा सा विजिट करेंगे आपका फार्म, सो दैट कि लोग आपका फार्म देख के खुश हो जाएं। इसके दो पॉइंट और रह गए थे टर्मिक के। जी। दूसरी चीज होती है जो फार्मर का इंटरेस्ट होता है जी, कि मैं एक किलो बीजूंगा तो कितने किलो निकलेगा। एग्जैक्टली, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये ही एक हल्दी है पूरे वर्ल्ड में, नॉट इंडिया ओनली। ओके, इंडोनेशिया ले लो जी, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड क्यूबा जी, ये हल्दी के मास्टर हैं जी, ठीक है जी, एग्जैक्टली। लेकिन इनके कुकुमन लेवल जरूर ज्यादा है जी, हम भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कुकुमन लेवल कितना है? ये तो 10 तक पहुंच गए। ओ माय गॉड, ठीक है, बेटर देन एनी हैवी डोज एंटीबायोटिक आई थिंक। बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ माय सन इज इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, वहां कुकुमन ऑयल का कैप्सूल जो है 150 रुपए का कैप्सूल जी, ऑस्ट्रेलियन डोंट टेक दिस पाउडर जी जी जी, दे टेक इन द फॉर्म ऑफ कुकुमन इन द कैप्सूल जी, वेरी नाइस, 150 रुपए का मिलता है जी। और मेरे पास इस वक्त 10 के पास आसपास पहुंचने वाला है, अंडर ट्रायल चल रहा है, वेरी नाइस। 7 की भी मेरे पास है, 8 की भी मेरे पास है, 10 के लिए हम
कोशिश में लगे हैं, मेरा साइंटिस्ट है मैं। अच्छा, तो आप एसेंशियल ऑयल की बात होगी, क्यूमन लेवल की बात होगी, यील्ड की बात, यील्ड कितनी एक किलो पे कितनी? कम से कम एक किलो से 20 किलो और ज्यादा से ज्यादा एज पर द साइंटिस्ट इज 30 kg एट दैट टू इन 7 months। ओ माय गॉड, ये एक बहुत ही अच्छी बात कि 7 महीने की सिर्फ खेती है, 10 दिन बंदर इसको नहीं खाता, कोई और चीज नुकसान नहीं करेगा, और यील्ड एक किलो से अगर हम मिनिमम 15 kg भी मान के चले, मिनिमम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 15 kg जितनी आप इसको एंटरप्रेन्योरशिप में काम करते हो, यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कितना पैसा इससे फेच कर सकते हैं इन अ गुड वे। ऊपर से ऊपर अब ना तो हिमाचल में कोई स्पाइसेस बोर्ड है जी, साउथ में हर डिस्ट्रिक्ट में है जी, ठीक है, शायद फ्यूचर में होगा जी, कोई मंडी नहीं है जी। अब किसान पैदा करेगा 573 जो जुड़े हैं जी, वो बेचेंगे कहाँ? एग्जैक्टली, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। हर आदमी जो है वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो फिर मैंने सोचा कि आई विल बाय बैक फ्रॉम द पीपल, जिनसे जो मेरे से बीज लेंगे उनसे मैं वापस खरीद लूंगा जी जी, जो भी मंडी रेट, मंडी रेट होता है सूखे का, ओके ओके, जो भी मंडी रेट है वो होता है कॉमन जी जी जी, जी, मैं उसमें 200 रुपया जी पर क्विंटल फालतू दूंगा जी, लेकिन ऑर्गेनिक लूंगा टेस्ट करके जी, केमिकल फ्री का जी। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर टर्मरिक की फार्मिंग करना चाहता है तो कर्नल साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कर्नल साहब की फोन डिटेल्स भी आपको शेयर करूंगा, और इस तरह का अगर बेनिफिशियली फार्मिंग हम कर सकते हैं तो हम सभी को करनी चाहिए। इससे एक तो हमारी फाइनेंशियल नीड्स तो अनडाउटेडली पूरी होगी होगी, बट हम एक अपनी सोसाइटी को अच्छी चीज खाने को भी प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए मैं वो उस तरफ आप चलेंगे हम जी, 3-story बिल्डिंग बन रही है जी, ठीक है जी, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट होगी जी, ठीक है जी जी, अप टू द ऑयल एक्सट्रैक्शन, वेरी नाइस, ठीक है जी। 2-story जो है जी वो वेयर हाउस बनेगा 310 टन कैपेसिटी का, दैट्स ग्रेट, एंड लिंक्ड बाय अ कोल्ड स्टोरेज, दैट्स वेरी नाइस। बहुत ही लंबी सोच, फ्यूचरिस्टिक सोच यहाँ कर्नल साहब की है, और अभी कर्नल साहब के साथ चलेंगे, फार्म विजिट करेंगे। तो ये सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये बैग्स में क्या चीज रखी गई है? बैग में ऐसा है, लोग बोलते हैं कि हमारे पास, हम भी करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास जमीन नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है जी, लोगों का कहीं बेचारा नहीं है लोग जी जी जी। अब ये बताइए कि कोई बैग जी सरकारी जमीन में रखने के लिए मना है क्या? नहीं, कोई मना नहीं है, कोई कर सकता है, यस एग्जैक्टली। तो मैंने पिछले साल जी से ये शुरू किया था जी, रोड के साइड में वो बड़ है, उधर एक उधर बड़ है जी, रोड के साइड में, ताकि लोग जो हैं जी देखें जी और पूछें जी कि कर्नल साहब ये बैग में कैसे हल्दी पैदा किया जी। अब सारा विंटर होती है फ्री जी, वहीं से मिट्टी भरनी है जी, 2 रुपए का बैग आता है जी, ठीक है जी जी, एक आदमी 70 बैग दिन के भर देता है मैल मिला के जी, ठीक है जी जी, वहीं से कोई आपका जमीन नहीं चाहिए जी, कोई हल नहीं जोतना है जी, कोई क्यारे नहीं बनाने हैं जी, कुछ भी नहीं करना है जी, वहीं भरना है और वहीं रख देना है जी, ठीक है। और जैसे ही जिनके पास पानी है जी वो मार्च में शुरू कर सकते हैं जी, मार्च इसकी सोइंग होती है मार्च अप्रैल मई जून जी, जिनके पास पानी नहीं होता वो जून में जी, पत्थर के साथ जी जी जी, जुलाई अगस्त में फिर बरसात, इसने तो 7 ही महीने लेने जी जी, वेरी नाइस। अब बताइए 7 रुपए की सारी बोरी पड़ती है जी, एक बोरी में कम से कम 1 किलो निकलता है, ओके। अब आप चारों तरफ जाएंगे जी जी, जो बैन लैंड थी, फालतू लैंड थी जी, उसमें मैंने सारे लगा रखा है, अभी अंदर लगाया जी जी, ठीक है जी। अब यदि 10,000 बैग हों जी, 10,000 किलो हो गया ना, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली हैं जी जी, और 10,000 किलो मतलब 10 टन, 10 टन जी, और मेरा बीज 100 रुपया किलो जाता है, गवर्नमेंट ने फिक्स किया है रेट जी, गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट ने मेरे से कम भी को 20 टन
दो साल में बीज लिया। वेरी नाइस। तो गवर्नमेंट ही आपसे बीज ले रही है, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट अपने आप में है। तो अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर्नल साहब ने बताई। जी जी, अब बताइए 100 रुपए का यदि बीज गया जी तो 10 लाख रुपया हुआ। एग्जैक्टली 7 महीने में जी। कौन सी ऐसी कमाई है, कहाँ होती है जी, जो इतना बीज छोड़ दो आप जी, आप हल्दी सूख के 1/5 रहती है जी, जी, आप इसका 1/5 कर लो जी, है? जी 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 जी, मैं पीता हूँ यार जी 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 जी, तो 1/5 कर लो आप, 2 टन जी, और 450 का पाउडर जाता है हमारा जी। एग्जैक्टली, हमने भी खरीदा है और हम रेगुलर इनटेक कर रहे हैं और बहुत ही हम लोग अपने आप में फर्क महसूस कर रहे हैं, पूरी फैमिली इसको ले रही है। इनिशियल स्टेज 8 लाख जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर कैलकुलेशन। और वो भी आप उस लैंड से इस कमाई को कर सकते हैं जो कि कंप्लीट बैरन है। बैरन है जी, कुछ भी नहीं। जी जी जी। और ये सर थोड़ा सा ड्रायर के बारे में, क्योंकि नई चीज है, इसके बारे में बताएं। हिमाचल का ये सबसे पहला ड्रायर लगा है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। ये अभी हमने सिर्फ 1 क्विंटल कैपेसिटी का लगाया है जी, ये एक्सटेंडेबल है जी अप टू 7 क्विंटल जी। अगला जमाना जो है जी, वो हर चीज ड्राई का है जी, चाहे वो पालक हो, सब्जियां हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो। एग्जैक्टली तो हमने बेसिकली स्टार्ट किया है ये 2 चीजों के लिए जी। एक तो हल्दी ड्राई करते हैं जी, क्योंकि जब आप हल्दी को सूरज की लाइट में जी ओपन जी सन में करते हैं तो अल्ट्रा वायलेट से एक तो डिसकलरिंग हो जाती है जी जी, ठीक है, कलर निकल जाता है। दूसरा एसेंशियल ऑयल जो है एवेपोरेट हो जाता है जी जी। ओके, ये टेक्निकल चीज है जो टेक्निकल जी, ठीक है, इसलिए ड्रायर की जरूरत जी। तो अंदर से थोड़ा सा हम देख पाएंगे, अभी तो लोड नहीं किया है, ये कल ही निकाला है, आज लोड करना है। ये अभी इसमें कल ही लोड बाहर निकाला है जिसमें ड्राइंग के लिए रखी थी, इस तरह से ये। ओ माय गॉड, इसके अंदर जब अभी मैं टेम्परेचर महसूस कर पा रहा हूँ तो नहीं, अच्छा ये नहीं है, बट फिर भी ये ऐसा लग रहा है कि गर्म भट्टे, जिस तरह से ओवन होता है हमारा, उस तरह से गर्मी का एहसास दिला रहा है। तो दिस इज वेरी नाइस एंड न्यू थिंग, ये हिमाचल में पहली एक ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ भी चीज ड्राई कर सकते हैं, हल्दी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनीथिंग। और एक फार्मर के लिए जब उसकी भिंडी खेत में रहती है तो उसका प्राइस, जब वो पौधा होती है तो हमारे हिसाब से उसका प्राइस मार्केट में 50 रुपया 60 रुपया, बट वही जब फार्मर की भिंडी मार्केट में पहुंचती है तो वो 20 रुपया 10 रुपया, उसके बाद दूसरे दिन खराब। तो एक नई चीज, और मेरे हिसाब से कर्नल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह की चीज दिखाई जो नॉर्मल फार्मर्स के लिए फायदेमंद हो सकती है। कर्नल साहब, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना भी चाहेंगे और मैं भी इच्छुक हूँ कि इसकी कॉस्टिंग कितनी आई है। और जो 1 क्विंटल है उसकी एग्जैक्ट एक्स फैक्ट्री है जी, जिसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराई है जी यूनिवर्सिटी से जी, 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए इसकी कॉस्टिंग आती है। अभी तक ना तो पंजाब में सब्सिडी है जी, ना तो हिमाचल में, आने वाले टाइम में हो सकता है, आने वाले टाइम में जरूर, क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल चीज होने वाले आइटम बनेंगे। दैट्स ग्रेट। और ये इस तरह इसके सोलर पैनल है शायद। हाँ जी, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल साइंस है जी। ये देखिए, ये पैनल है इसका जी, ऑन ऑफ जी जी जी, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कंट्रोल पैनल जी जी, ठीक है जी। अंदर से यहाँ से वहां से हवा को सक करेगा जी, रीसर्कुलेशन ऑफ एयर एडेड ओके टू द सोलर, तब ये हीटिंग फिर अंदर हो रहा है। दैट्स नाइस। अंदर से सक करेगा जी, उसमें जाएगा जी, ये मोटर है जी, ठीक है, मोटर जो है सक करके इस पैनल में डाल देगी जी। अब सोलर से जो हीट आएगी वो गर्म होगा जी, इसमें गर्म होके जी, वो ब्लोअर है जी अंदर, वो जी वो सामने ब्लोअर दिख रहा है आपको, जितनी वो डिग्री में जी आप चाहो फिक्स करूंगा जी, उतना डिग्री में हमेशा रहेगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जैसे ही हीट उससे ज्यादा जाएगी जी, एग्जॉस्ट खुल जाएगा। वेरी नाइस। तो कांस्टेंट ड्राइंग, तो इसमें एक मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज
इट इज नॉट, इट हैज टू बी इवनली ड्राइड, मतलब एक बराबर बिल्कुल बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाए जी. इसलिए इसका ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर जी इसको हम पहले ही मेंटेन कर देते. तो फ्रेंड्स इसकी जो कॉस्टिंग है 1.5 लाख रुपए के आसपास है, और कितना टन कैपेसिटी इसका बताया? नहीं इसका तो अभी एक क्विंटल है जी, लेकिन हम जा रहे हैं उनके पास 7 क्विंटल तक का जी. 7 क्विंटल बहुत जी, होती जी, है. जी 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 तो मैक्सिमम उनके पास जो कैपेसिटी है जी, दिस कैन बी एक्सटेंडेड जी जी 700 kg. वेरी नाइस वेरी नाइस. और ये आंवले, ये शायद आंवला है जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन. हाई डेंसिटी प्लांटेशन, हाई डेंसिटी अंग्रेजी जी, कोई मतलब नहीं जी जी. अब इसकी ये कंचन आंवला है जी, इससे पता नहीं पूरे हिमाचल में चला गया है, मैं बैंगलोर से लाया. कंचन आंवला इसकी वैरायटी का नाम है. इतना बड़ा बड़ा आंवला होता है. और यील्ड क्या है इसकी? मैं बताता हूँ, बहुत ज्यादा यील्ड है जी. अब एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है हमारी अपनी यूनिवर्सिटी ने, सोलन यूनिवर्सिटी ने, उनकी ब्रांच है जसूर में, जाच में जी 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 जी. वहाँ उन्होंने ये किया था. कुछ नहीं, उनका साइंटिस्ट का मानना है कि आप ये जो खाद वगैरह जो है या इसकी जो न्यूट्रिएंट है जी, फालतू क्यों टहनियों को दे रहे हैं जी. यदि इसको ठीक तरह से प्रूनिंग की जाए तो इसकी फ्रूटिंग भी बढ़ती है जी, एरिया कम जी, करते हैं आप नजदीक प्लांटेशन कर सकते हैं. दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस जी. दैट्स व्हाई दे कॉल इट अ हाई डेंसिटी प्लांटेशन. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ये बीच में भी फ्रूट को जी, ये बारहमासी है. अच्छा, ये लेमन है. लेमन है जी. फ्रूटिंग चल रही है. ये अंकल का हैरो. ये सेब है. ये सेब का पौधा. अच्छा, ये बीज आपने कुछ बॉक्सेस रखे हैं, इनका यूज बता पाएंगे आप? बीज मैंने नीचे जो है बीज ही है. अच्छा, ये खाली बॉक्स हैं जी. अभी इनका एक्सपेंशन होगा जी, तो बीज जो है सबके नीचे हैं. वो देख रहे हैं आप बोरियों? जी 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 हाँ, वो बोरियों में देख रहे हैं जी. बोरियों के बीच में जी 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 जी. ऐसे करके जी, हमने हमारा शहद जाता है जी मल्टी फ्लोर. अच्छा, ओके जी जी जी. हम एक ही शहद बेचते हैं जी, वो निकालते हैं हम अप्रैल के महीने जी, जो सबसे कॉस्टली जी. व्यूअर्स, अगर किसी को भी शहद चाहिए हो, कंप्लीट जिसको बोलते हैं नेचुरल, ऑर्गेनिक नहीं बोलूंगा मैं, नेचुरल प्योर रॉ अनप्रोसेस्ड. और उस टाइम लगता है मेरे को कि आपके आजू बाजू में फूल फ्लावरिंग जी, उस टाइम की जो फ्लावरिंग होती है मार्च अप्रैल की, जो वो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं जी उसकी फ्लावरिंग होती है. तो कभी भी अगर आपको शहद लेना हो तो अप्रैल और मई वाला शहद आप लीजिए. वो न्यूट्रिटिव और आप कुछ भी कह लीजिए, उससे बेटर क्वालिटी का शहद आपको बाकी महीनों में जो प्रोड्यूस जो है, जो सरसों का होता है, खैर का होता है, वो बड़ा इन्फीरियर होता है. जो प्रोसेसिंग करते हैं लोग जी जी जी, वो उसमें मिला देते हैं जी. वो कमर्शियली हम बात कर सकते हैं, कमर्शियली तो फिर इन्वर्टेड शुगर तक लोग जी 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 एग्जैक्टली. लेकिन हम नहीं करते जी, हम कच्चा रॉ अनप्रोसेस्ड जी. 500 रुपए का आधा किलो जाता है हमारा. वेरी नाइस. ये एक चीज मैं भूल जाऊंगा, ये पौधे की उम्र कितनी है? ये इसको 4th साल लगा. वेरी नाइस. और फोर्थ ईयर में प्लांट्स, ये सामने वाला भी फोर्थ ईयर में है? फोर्थ फिफ्थ में चल रहे हैं. बहुत बढ़िया. तो हम ये देखो सेब जी, ये सेब. ये कब आपने प्लांटेशन करी? ये इस बारी की है. अच्छा, इस बारी की. मेरे पास ऑर्चर्ड में हर किस्म का जी. आगे चल के आप है जी, बादाम है जी, कुछ भी नाम लीजिए आप जी. चंदन है, देखो चंदन का पौधा भी आप लोगों को दिखाएंगे. आप ये थोड़ा सा हमें अपना ये वर्मी कंपोस्ट दिखाया था, और ये पंचगव्य, और ये मैं फिलहाल जो है चार चीजें बनाता हूँ जी. एक तो मैं कीटनाशक बनाता हूँ जी, जो लोकल चीजों से जी, सिर्फ बेसिक चीज है देसी गाय का गोबर और उसका गोमूत्र जी. ठीक है जी. बाकी तो परमात्मा ने जी, नेचर ने जिस जगह जो बीमारी होती है जी, वहां उसका उस किस्म की जड़ी बूटी दी हुई है जी. व्यूअर्स जो जब देख रहे हैं जी, तो मैं इनको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, आप खुद बना सकते हैं. जिस चीज को, जिस पत्ते को बकरी या गाय ना खाए, वो सब सब जड़ी बूटी जो है वो
वो पेस्टिसाइड इज ग्रेट. बहुत सारे व्यूअर्स को ये होता है कि पेस्टिसाइड बनाए, कौन सी जड़ी बूटी ले, क्या करे. सिंपल, जिसको गाय बकरी नहीं खाए वो चीज आपकी पेस्टिसाइड का मटेरियल है, दैट्स इट. और ये सामने हमें ये पौधे दिख पा रहे हैं, ये किस चीज के पौधे हैं? ये अरहर है. ये दाल? हाँ, दाल. इसको कोई जानवर नहीं खा. अभी हमने ये पहली बार इतना बड़ा अरहर का पौधा देखा, दैट्स वेरी नाइस. और कितनी उम्र इन पौधों की है? पिछले साल ही लगाए. अच्छा, ठीक है, ठीक. और ये चलता है 4 से 5 साल एक बार लगाने. जी 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 जी. ये भी पेरिनियल फॉडर, पेरिनियल क्रॉप कह सकते हैं. जी जी जी. और ये फॉडर भी है. अच्छा, इसको बकरियां खाती हैं? सॉरी, इसको कोई जानवर नहीं. अच्छा, मैन्योरिंग के काम आता है ये, मैन्योर. दैट्स नाइस. ये पॉन्ड के बारे में थोड़ा सा. पॉन्ड, ये एरिया मेरे वाला एरिया जो है ये IPH ने ड्राई एरिया डिक्लेयर किया हुआ था. जी, ये भी मैं व्यूअर को बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी पॉइंट है ये. वो वाला गांव घीना जी और ये जी, ये दोनों IPS के हिसाब से ड्राई एरिया. जी, इधर कोई पानी नहीं. जी, मैंने इसके ऊपर 3 साल लगाए. जी, और आज मेरे पास 2 इंच का, उसी जगह पर जिसको ड्राई बोलते हैं, 2 इंच का परमानेंट पानी. ग्रेट. ये वाटर सोर्स है. अब ये ढूंढना कैसे है? बहुत बड़ी बात. चंगर के इलाके में पानी का सोर्स ढूंढना है. पानी नहीं है, पानी. जी जी जी. अब इससे पहले मैं बोर में आऊं कि मैंने बोर ढूंढा कैसे. जी, ये इसकी कहानी सुन लीजिए. जी जी, ये आगे चल के हम लोग. ये कुछ नहीं किया. ये भाई साहब हमारे लगे हैं. हेलो भाई साहब, ठीक ठाक? गर्मी कैसी है? गर्मी तो बहुत है सर. ये जो है कुछ नहीं है. जब ये ड्राई एरिया डिक्लेयर किया जी, तो मैं सोचा ये तो कुछ भी नहीं हो सकता, जिधर पानी नहीं है तो कुछ नहीं होगा. जी, उसके बाद क्या किया कि इधर का जो पत्थर है जी, वो बहुत काम का है. जी, वो जो कुओं के अंदर पत्थर लगता है वो पत्थर. जी, तो मैंने एक मिस्त्री को ठेका दिया. जी, ये पत्थर निकला. जी, और मैं तो लगे रहा. जी, ठीक है. जी, ये देखिए, सत्ते कराते ये एक खड्डा बन गया. जी, जब खड्डा हुआ तो बरसात के बाद उसमें पानी. जी, पानी टिक गया. तो मेरे दिमाग में आया कि पत्थर तो मेरे बिक ही रहे, पंचायत वाले ले रहे थे, 1 लाख के तो मैं इसके पत्थर ही बेच दिए. ग्रेट, ठीक है. उसके बाद एक खड्डा हुआ, मैं गया यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, पालमपुर. जी, कि जी मेरे को पॉली लाइनर लगाना है. जी, तो सजेस्ट करिए कहाँ मिलेगा, कैसे लगाना चाहिए वगैरह वगैरह. तो उन्होंने मेरे को दिखाया एक पाउंड, वो 200 माइक्रोन का उन्होंने लगा रखा था. आई सेड नो, आई वांट 500 माइक्रोन. ये जो प्लास्टिक शीट इसके ऊपर बिछी हुई है, इसकी 500 माइक्रोन की है, जिसकी गारंटी शायद 10 साल की, 12 साल, 12 इयर्स. उसके बाद मैं सर्च मारी. जी, तो औरंगाबाद में ये कंपनी है, फैब इंडिया करके. जी, इसका काफी मशहूर कंपनी है ये. उनको मैंने बोला जी मैंने 3 पाउंड बनाने हैं, ये पॉली लगाना है. उनका रैप हफ्ते के अंदर भी पहुंच गया. दैट्स वेरी नाइस. तो जैसे ही अंकल ने ये सोचा तो कंपनी से कांटेक्ट किया, 3 दिन के, हफ्ते के अंदर वो इसको लगा के चले गए. अब ये देख पाएंगे आप अंकल के मैंगो ट्रीज, बहुत ही खूबसूरत. ये भी मैंगो हैं. ये अंकल, ये प्लांटेशन आपकी कब की है, कितना? ये इसको तो 5 साल, 5 इयर्स, 5 इयर्स की, 5 इयर प्लस है ये पूरे में. देखिए किस तरह से वेल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड का बोल सकते हैं आप. हर बंड्स पे आपको बैग्स मिलेंगे जिनके अंदर हल्दी है. जो कैलकुलेशन अंकल ने बताई थी कि अगर आपके पास 10,000 पौधे होते हैं और एक पौधे से आपको सिर्फ 1 kg हल्दी मिलती है, तो इसका लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. और एक एक रो में ये कितने कितने बैग्स होंगे, 100+ ही होंगे आराम से. जी, ये 10,000 से अबव ही है. तो इस तरह की फार्मिंग का नमूना आपको ये मतलब अपनी तरह का पहला ही है हिमाचल में. तो इस तरह से ये कर्नल साहब के साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा. दोबारा से उसके बाद जो है, जी हाँ, इसमें इसका पॉन्ड क्या हुआ, वो आए, मेजरमेंट लिया. जी, दे वर्क्ड द कॉस्ट. जी, सजेशन किया कि साहब ऐसा इसके जो 4 पेजेस हैं उनको ठीक करा दीजिए. जी, और मैंने बच्चों से इनसे लपाई छपाई कराई मड की. जी, और एजेस ठीक कराए. जी, और उसने बताया जी इसका कॉस्ट जो है 45,000 समथिंग, उस वाले की 48 समथिंग, वो बड़ा है, बहुत बड़ा है. जी, जी,
एक दूसरी जमीन में, तीन पॉन्ड्स हैं टोटल। लो जी, उसके बाद वो आए, एक हफ्ते के अंदर वो आ गए, पैसे जमा किए जी, और वो आए और 12 साल की गारंटी दे के, बरसात हुई ये भर गए, वेरी नाइस, ओके जी, पूरे के पूरे भर गए अपने आप ही जी, ड्रेन रूम। उसके बाद मैंने ये ढूंढा जी, हाँ ये इसको कैसे ढूंढते हैं जी जी, हाँ, और कितना 2 साल लगाए जी। आप देखेंगे हिमाचल में कई नेचुरल सोर्स हैं जी, पानी के जी, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये पानी है कहाँ जी जी, ठीक है जी। मैंने देखा कि इन सोर्स जो नेचुरल बॉडियां हैं, नॉन हैं जी, कुएं हैं, इनके पास 4 में से एक दरख्त जरूर होगा जी। जहां जहां भी गया मैं, को 20 किलोमीटर के एरिया में मैंने रेकी की, बैठा रहा कई दिन तक जी, मैं देखा 4 पेड़ ऐसे हैं जिनमें से एक जरूर उस सोर्स पर है जी। वो है पीपल जी, बाड़ जी, जामुन जी, और गुलर जी, वो जिसको रुमड़ू बोल जी जी जी, ठीक है, इधर कांगड़ा में रुमड़ू बोल जी। अब कोई भी देख ले जहां भी है जी जी, इन चारों में से एक दरख्त जरूर है। ये दरख्त होते ही नहीं जी यदि नीचे पानी ना। दैट्स वेरी नाइस अंकल। दो चीजों के बारे में जो बताया, एक तो आ गया पेस्टिसाइड, अगर आपको क्रिएट करना है अपने लोकल पौधों से, तो जिसको बकरी, गाय, कोई भी पक्षी पशु नहीं खाए उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर पानी आपने खोजना है कि पानी कहाँ है, तो 3-4 तरह के अंकल ने पौधे बताए, वो जहां होंगे पानी अनडाउटेडली वहां पे होगा। अंकल थोड़ा सा जी, वो बर्ड है जी, हाँ वो पीपल, ये बर्ड है, ये एग्जैक्टली पीपल है। उसके बाद जहां ये मैंने जी ऐसी उंगली रखी जी, जी वहां गुलर होता था, गुलर, हाँ। और पहाड़ों का पानी ऐसे नहीं होता जी, ये ऐसे फ्लो चट्टानों के बीच में जी, इसकी लेयर्स होती है जी जी जी, ऐसे पंजाब नहीं है कि नीचे निकल जी जी जी, आप ले ऑफ द ग्राउंड देखेंगे तो इस तरफ है जी, वो नीचे देख ली जामुन जी जी। अब इसको मैंने एक लाइन में किया जी जी, हाँ, that's very nice, technical चीजें। वो पीपल और इसका सेंटर बनाया जी, गुलर के साथ जी, गुलर का ग्राउंड की ले के साथ, और वो जामन है। और कितने आपको लेवल पे ये पानी निकला है? मैं बताता हूँ जी, जो जो डिपार्टमेंट ने बोला था जी, बल्कि उनको मैंने बाद में थोड़ा ठीक भी किया कि डोंट ब्लडी फूल पीपल, ओके ओके। वो जो रिक वाला आया तो उसने एडवांस में मेरे से पैसे ले लिए जी, और बोला जी कि कर्ण साहब ये ड्राई एरिया है जी, ये पानी नहीं निकला तो आपके आधे पैसे, हम 300 फुट तक जाएंगे जी, उसके आगे जाएंगे नहीं, यदि पानी नहीं निकला तो आधे पैसे आपके खत्म हो जाए जी, नो प्रॉब्लम। मैंने इधर लगा गुल्लर जहाँ जी, ठीक है,